पहली बात तो कि देर इज नो चेंज इन डायनामिक्स, क्योंकि मेरे उनके संबंध पहले से अच्छे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा हमारे रिलेशन है ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट पर है। मैं कभी उनका प्रोटोकॉल टूटने नहीं देता। मैं 5 साल सीएम रहा, अभी डिप्टी सीएम हूँ, वो मेरे साथ मिनिस्टर थे। इसका प्रत्यय कभी भी हमारे व्यवहार में नहीं आता। नाउ ही इज़ माई बॉस, एज अ चीफ मिनिस्टर ही इज़ माई लीडर और उनके अंडर मुझे काम करना है, ये मेरे दिमाग में पक्का है। और फॉर्चुनेटली वो कभी मुझे ये जताते नहीं है कि वो लीडर है, वो कभी ये दिखाते नहीं है कि वो मेरे बॉस है। तो मुझे लगता है कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के भरोसे ये चल रहा है, इसलिए एक आधे ऐड वैड से कुछ नहीं होता। मतलब आई वॉज सो अमेज्ड एक्चुअली, मेरा कान, मतलब मैंने प्रोसेस की थी, मेरे कान पे जब प्रोसीजर की थी इसलिए मैं गया नहीं, तो उसकी एक न्यूज़ बन गई, वो तो ठीक है। उससे भी बढ़िया चीज़ ऐसी आई कि मैं और सीएम 1.5 घंटा साथ में ट्रैवल करके पालघर पहुँचे। हमेशा हम दोनों अलग गाड़ी में बैठते हैं, कभी साथ नहीं बैठते, क्योंकि हम दोनों सामने बैठते हैं। मेरी भी हाइट है तो मैं पीछे नहीं बैठ सकता, यानी मेरे पैर नहीं रहते, तो मैं भी सामने, इसलिए हमारी दोनों की गाड़ियाँ हमेशा एक दूसरे के पीछे होती है, हम दोनों सामने बैठते हैं। उसकी एक न्यूज़ बनी है, देखो इन्होंने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। फिर मुझे तो पता ही नहीं, पूरा कार्यक्रम होने के बाद एक न्यूज़ मेरे को देखने को मिली। अब बैठे हम दोनों अपने अपनी सोच में बैठे हुए 9 मिनट, सीएम डीसीएम ने एक से एक देखा, देखा ये सर डर ऐड देखिए, लेकिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट दिख रहा था सर। नहीं नहीं, देयर इज नो डिस्कम्फर्ट, एब्सोल्युटली नहीं। अरे भाई अच्छा, हमको तो पता नहीं था आप लोग क्या दिखा रहे, उसी में आप आगे देखिए ना, हम दोनों जोक कर रहे हैं, हम दोनों हंस रहे हैं, हम दोनों, वो भी उसी समय हुआ, जाकर बैठे वो अपने विचारों में, मैं अपने विचारों में, थोड़ा समय निकल गया उनसे।